हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पार्ट 4। इस वीडियो में हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी तक हम देख चुके हैं ग्राफिकल मेथड और हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अगर आपने अभी नहीं देखी तो पार्ट 3 में जाइए और प्लीज देखिए। तो आइए शुरू करते हैं एलिमिनेशन मेथड। फिर से हमारे पास इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, a1x + b1x = c1, a2x + b2y = c2। तो फिर से आप देखिए यहाँ पर स्टेप से बात कर रहे हैं। तो स्टेप 1, आप फिर से वो एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे। इवन इक्वेशन की जगह मैं ये कह रहा था आप कोई एक टर्म सिलेक्ट कर लीजिए, पहले कोई इक्वेशन दीजिए और उसमें कोई टर्म सिलेक्ट कीजिए, या ये या ये या ये या ये, चारों में से कोई एक टर्म सिलेक्ट कर लीजिए। टर्म सिलेक्ट करने के बाद हम उनके कोफिशिएंट देखेंगे। जैसे लेट्स से मैं कह रहा हूं मैंने ये वाले टर्म सिलेक्ट किए, इसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, b1। क्या है कोफिशिएंट इसका, b1। और इस तरह से क्या देते हैं 2x + 3y = 6। यहाँ पर y कोफिशिएंट कितना है, 3। अब हम कोशिश करेंगे जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है उसमें भी y का कोफिशिएंट कितना बन जाए, 3 बन जाए। मतलब हम एक इक्वेशन लेंगे उसमें किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के जो कोफिशिएंट होगा वो इक्वल बनाएंगे, या फिर एक्स का या फिर वाई का। तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा, हम पहले वो इक्वेशन सिलेक्ट करेंगे एंड देन उसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, हम इक्वल कोफिशिएंट में। देन जस्ट लाइक व्हिच इज द 2x + 4y = 6, 3x + 4y = 11। अब देखिए मैंने अपने सब वाई रैंडम इक्वेशन ले लिए हैं और स्टेप 1 के बाद मतलब कोफिशिएंट्स इक्वल बनाने के बाद, मतलब यहां पर जो ये 4 है ये 4 है, तो ये इक्वल बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहां से नोट कीजिए, अगर दोनों का साइन सेम है, फॉर सेम साइन अगर दोनों का साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब अगर दोनों का साइन ऑपोजिट है, अगर इधर ही इक्वेशन इस तरह लिखी होती है, यहां पर 2x + 4y = 6, यहां पर लिखी होती 3x - 4y = 11। अगर हमारे पास क्या है, सेम साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर ऑपोजिट साइन है, क्या है, ऑपोजिट साइन है तो हम एडिशन करेंगे, 4 ऑपोजिट साइन। तो अगर हमारे पास सेम साइन होगी एड और ऑपोजिट साइड होगी सब्ट्रैक्ट। एग्जांपल के साथ देखो, देखते हैं। तो देखें आप, हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, दो ही क्वेश्चन हमें गिवन है। अब स्टेप फर्स्ट कोफिशिएंट इक्वल बनाएंगे, अपनी तरफ से टर्म सिलेक्ट करके कोफिशिएंट इक्वल बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि जिनका कोफिशिएंट बनाना सेम बनाना इजी हो वो करेंगे। जैसे यहां पर देखें आप, ये दो मेरे पास इक्वेशन के बने, यहां 3 है यहां 2 है, तो क्या मैं 3 का 2 बना सकते हैं, 2 का 3 बना सकते, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है लेकिन हो जाएगा। यहां पर देखें मुझे यहां पर 4 है यहां पर 2 है, तो क्या मैं इस 2 को 4 बना सकता हूं, बिल्कुल मल्टीप्लाई करके। यहां पर देखें आप, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर देखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 2। अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो देखें आप 2x - 2y = 2x, यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं LHS को भी और RHS को भी। तो इक्वेशन मेरे पास किस फॉर्म में आ जाएगी, आप देखें यहां पर 2 × 4x + 2 × 4y = 4। अब देखिए यहां पर 4x - 4y = 4। अब आप एक बार चेक करें इसका जो कोफिशिएंट है, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो हम इसको बोलते हैं 4 और 4। अब साइन पर आप ध्यान दीजिए, दोनों के साइन कैसे हैं, ऑपोजिट, दोनों के साइन कैसे हैं, ऑपोजिट। तो क्या करेंगे यहां पर, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, क्या करना है, हमने कोफिशिएंट इक्वल बना दिए। अब हमारा जो नेक्स्ट काम था, बिल्कुल सही आप इस पढ़ा, स्टेप 2, साइन चेक करेंगे। यहां पर देखिए आप, साइन ऑपोजिट है तो साइन ऑपोजिट तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन, बताइए जल्दी, बिल्कुल सही, क्या करेंगे, एडिशन। देखिए यहां पर अगर मैं इक्वेशन दोनों को ऐड करूं तो देखें आप क्या हो गया, यहां पर यही कर लेते हैं, तो इक्वेशन इसको थर्ड नाम दे देते हैं, यहां पर लिखते हैं 3rd + 1st। आप देखिए अब क्या हो गया, मैंने इक्वेशन ऐड करने पर यहां पर मेरे पास इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन है
माइनस फोर वाई इक्वल टू फोर एंड मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आप देखें यहां से थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू टेन। और जब आप इन लोगों को एडिशन करेंगे तो ऑपोजिट साइन वाली वैल्यूज जो होंगी वो कट जाएंगी। बिल्कुल देखिए आप हमने इक्वल पहले ही कर दिया था तो साइन ऑपोजिट से एडिशन कर रही है दोनों वैल्यू कट जाएंगे। यहाँ पर थ्री प्लस फोर कितना हो जाएगा यहाँ पर सेवन एक्स फोर प्लस टेन कितना हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू फोर्टीन। यहाँ पर हमारे पास एलिमिनेशन करके आ गया है एक्स इक्वल टू टू। देखिए आप यहाँ पर हम सिंपलीफाई करके हमें एक्स वैल्यू निकाल लिए। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है वो किसी भी क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आप रखिए आप कौन सा मिल जाएगा। मैं किसी में तीनों सेकंड में रख लूंगा चलो मान लेते हैं एक बार। तो अगर मैं वैल्यू सेकंड क्वेश्चन में पुट करूं एक्स इक्वल टू देखते हैं पुटिंग एक्स इक्वल टू टू इन इक्वेशन सेकंड देखिए आप यहां पर टू एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू टू वैल्यू पुट कीजिए टू इंटू एक्स वैल्यू टू है माइनस टू वाई इजिकल टू 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 फोर माइनस टू वाई इजिकल टू टू। अब आगे फोर को नोट साइड लेकर आता हूँ तो यहाँ देखिए फोर तरह आएगा तो टू वाई इजिकल टू टू माइनस फोर टू वाई इजिकल टू माइनस टू टू से टू कैंसिल वाई इजिकल टू माइनस वन आता तब देखिए एक्स की वैल्यू टू आ चुकी है वाई की वैल्यू इवन आ चुकी है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। वो आसान मेथड होती है अगर हम बात करें चारों में से इसी मेथड लोग इसे ही मानते हैं और है भी कैलकुलेशन पार्ट बहुत छोटा होता है। तो देखिए आप यहाँ पर एक और एग्जांपल के साथ एलिमिनेशन डिस्कस करते हैं। आप ही टेक्स्ट बुक 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है पार्ट है। आप देखिए यहाँ पर इक्वेशन पहले आप चेक कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी हम उन पर मेथड अप्लाई नहीं कर सकते तो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पर हमारे पास फोर इस साइड है उसको वापस इधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x minus 5y is equal to 4। सेम यहाँ पर 2x को तक लेके आना पड़ेगा हमें यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 9x minus 2y is equal to 7। अब फिर से आप देखिए इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। एलिमिनेशन लगाने के लिए स्टेप वन हमें क्या करना है यहाँ पर हमें करना है उसके कोफिशिएंट्स इक्वल बनाने या तो x के या फिर y के। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें x कोफिशिएंट इक्वल बनाने तो इस तीन का नो कैसे बनाया जा सकता है बिल्कुल से थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर इनको हम चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा टक हो पहले ही नहीं देखते हैं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट ये मेरी इक्वेशन सेकंड तो लिखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय थ्री। तो अगर मैं थ्री से ऊपर इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आप देखिए क्या होगा यहाँ पर थ्री इंटू थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इजिकल टू फोर इंटू थ्री किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया आपने देखे थ्री थ्री नाइन एक्स थ्री फाइव जीन वाई इजिकल टू फोर थ्री ट्वेल्व। मेरे पास इक्वेशन कन्वर्ट हो गए वो किस तरह आ चुके हैं। अब आप देखें यहाँ पर दो इक्वेशन सीखे हुए हैं। अब दोनों इक्वेशन अगर आप बात नोटिस करें यहाँ पर नाइन एक्स दोनों पॉजिटिव है किस तरह के हैं पॉजिटिव है। अब दोनों सेम साइन है दोनों के दोनों सेम है तो इस केस में हम क्या करेंगे सबट्रैक्शन करेंगे दोनों इक्वेशन का जो हमारे पास इक्वेशन फोर को कराएंगे उसका और जो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन थी उन दोनों इक्वेशन क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे। तो हम करते हैं यहां पर थर्ड माइनस या फिर सेकंड माइनस थर्ड का डिफर सेकंड माइनस थर्ड का डिफर। तो अगर हम देखें यहां पर सेकंड माइनस इक्वेशन लिखी हुई है नाइन एक्स माइनस टू वाई इजिकल टू सेवन थर्ड इक्वेशन हमारे पास है नाइन एक्स माइनस फिफ्टीन वाई इजिकल टू ट्वेल्व। अब सबट्रैक्ट करने का मतलब होता है थर्ड का सबट्रैक्शन लगा हुआ है तो थर्ड इक्वेशन सारे साइन चेंज हो जाएंगे ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव मतलब साइन चेंज करते रहे प्लस ये प्लस का है माइनस का है प्लस का है माइनस। अब आप देखे ध्यान से ये नाइन प्लस का है ना माइनस का है पहली कैंसिल आउट हो गई है बिल्कुल। आगे देखें आप प्लस फिफ्टीन माइनस टू कितना हो जाएगा प्लस का थर्टीन वाई यहाँ पर माइनस ट्वेल्व प्लस सेवन कितना हो जाएगा बताइए माइनस फाइव यहाँ पर वाई से वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास माइनस फाइव अपॉन थर्टीन थर्टीन ट्वेंटी फाइव में था इधर जाके डिवाइड हो गए तो हमारे पास वाई की वैल्यू सोल्व करा चुके हैं। अब हम करेंगे अपने एक्स की वैल्यू निकालेंगे फिर से एक्स की वैल्यू क्या करेंगे किसी भी इक्वेशन में वाई की वैल्यू पुट करके हम एक्स की वैल्यू सोल्व कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर देखिए किसी इक्वेशन में अपने फर्स्ट में रख लेते हैं चलिए
फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, इसमें y की वैल्यू पुट कीजिए 3x माइनस 5y की वैल्यू कितनी है माइनस 5 अपॉन 13 माइनस 5 अपॉन 13 इक्वल टू 4 माइनस इनटू माइनस प्लस और 5 5 सा 25 3x प्लस 25 अपॉन 13 इक्वल टू 4 बिल्कुल अब इस साइड देखो आप उस साइड लेकर जाइए देखिए क्या हो जाएगा वहां पर 3x is equal to 4 minus 25 by 13 ऐसे नहीं जाता 13 को उधर 68 minus here's the law on the cutting to the problem Rohit look 13 को उधर 52 minus 25 अपॉन में 13 अब माइनस करें 52 और 25 को तो आपको आंसर कितना मिलेगा यहाँ पर 37 अपॉन 13 इसे आप थोड़ा सा और चेक करें नीचे यहाँ पर देखें आप 3x इज इक्वल टू 27 अपॉन 13 अब ये 3 का मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड ना जाएगा आप देखें x इज इक्वल टू 27 अपॉन 3 इंटू 13 तो इसे आपसे काट सकते हैं 9 x इज इक्वल टू 9 अपॉन 13 तो मेरे पास x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है x है मेरे पास -9 अपॉन 13 y है मेरे पास -5 अपॉन 13 तो इस तरह हम एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट तो हमारे नेक्स्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये मेथड बाकी से थोड़ी सी अलग थोड़ी सी टफ होती है आप देखिए कैसे पहली बात जो स्टेप 1 हम यहां पर देखते हैं वो स्टेप 1 कुछ ऐसा होता है कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना रखते हुए हम इक्वेशन को सारा इक्वेशन का जो सारा पार्ट होता है पहले जिस तरह ट्रांसफर कर देते हैं अभी तक आप देख रहे होंगे जो प्लस सी वाली वो सी वाली वैल्यू थी वो इक्वल टू इस साइड थी लेकिन अब आप उसे इस तरफ शिफ्ट करके लिख रहे हैं तो पहले पॉइंट इस स्टेप वन में ये करना होता है कि सब कुछ एलएच में शिफ्ट करेंगे एंड देन स्टेप सेकंड इंपॉर्टेंट समझिए वैल्यू स्टेप टू कैसे करेंगे यहां पर लिखेंगे एक्स माइनस वाई वन देखिए यहां पर आपने क्या करना है जब एक्स वाली वैल्यू निकाल रहे हैं क्या कर रहे हो एक्स वाली वैल्यू निकाल रहे हो उसे पूरा ढक दीजिए एक्स वाली वैल्यू पूरा ढक दिया अब बाकी से कोफिशिएंट्स लिख दीजिए आप यहां पर b1 b2 c1 c2 फिर से y के y वाली टर्म आप पूरी पूरी कवर कर दीजिए और यहां पर देखिए आपके पास क्या बचा है a1 a2 a1 a2 यहां पर क्या बचा आपके पास c1 c2 बिल्कुल वन के लिए आप कॉन्स्टेंट को कवर कर दीजिए और फिर यहाँ पर देखिए क्या बचे आपके पास टर्म a1 b2 आपने टर्म्स लिख लिए रिजल्ट कर लिए बहुत अच्छे आगे करना आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी ये वैल्यू इधर ये वैल्यू इधर ये वैल्यू इधर ये वैल्यू इधर ये इधर और ये इधर इन वैल्यूज की आपस में मल्टीप्लाई करनी है और बीच में माइनस लगाना जैसे यहाँ पर देखिए आप क्या हो जाएगा ये एक्स अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू माइनस y a1 c2 e2 c1 सेम यहां पर इक्वल वन अपॉन में a1 b2 माइनस ये यहां पर b1 a2 एनसीईआरटी में ये चीज आपको कुछ तरीके से मिलेगी कंफ्यूज ना हो ये दोनों चीजें सेम है लेकिन आपको जो अच्छा लग रहा है आप कॉपी कर लीजिए अब देखिए यहाँ पर आप ये हमारे पास यहाँ तक रिजल्ट हो चुका है अब आगे क्या करेंगे जब हम इनको सोल्व कर रहे हैं तो बारी बारी से एक बार इस टर्म को वन के इक्वल रखेंगे फिर इस टर्म को वन के इक्वल रखेंगे एंड देन सोल्यूशन निकाल लेंगे एग्जाम्पल के साथ देखिए इसे हम समझते हैं आखिरी मुख्य एग्जाम्पल है 3.5 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह के बारे तो पहला स्टेप था इक्वेशन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है एलएचएस की सारी वैल्यू आरएचएस का करनी चाहिए देखिए यहाँ पर शिफ्ट करते हैं हम 5 इस तरह जाएगा क्या हो जाएगा 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 8 इस तरह आएगा तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 तो इक्वेशन को कन्वर्ट कर चुके हैं अब सॉल्व करते हैं कैसे पहले एक्स माइनस वाई वन बाई वाई से वैल्यू किया एक्स के लिए एक्स वाला पार्ट कवर कर लीजिए बाकी कोफिशिएंट क्योंकि बाई कोफिशिएंट कितना है यहां पर वन यहां पर बाई कोफिशिएंट कितना है टू कॉन्स्टेंट
माइनस वन, वाई के लिए वाई वाला कवर कर लीजिए आप, यहाँ पर देखिए एक्स का कितना है टू थ्री, कॉन्स्टेंट क्या आपके पास फाइव एट, कॉन्स्टेंट मिला आप देखिए यहाँ पर टू थ्री वन टू थ्री वन टू। हमने किस तरह देखा यहाँ पर, हमने सारी चीजें यहाँ पर लिख ली है, अब क्या करना है आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू इधर ये वैल्यू इधर, ये यहाँ पर ये यहाँ पर ये यहाँ ये यहाँ, तो लिखिए इसे एक्स माइनस एट इंटू वन माइनस एट माइनस फोर टू इंटू माइनस फाइव माइनस टेन, और आपको याद होगा एक माइनस हम अपनी तरफ से लगाते हैं सेम, दिस इक्वल टू ऊपर है माइनस फाइव अपॉन एट टू द सॉरी यहाँ पर माइनस एट एंड माइनस फाइव, तो एट टू सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन माइनस फाइव टू थ्री माइनस फिफ्टीन, एक माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं इज इक्वल टू वन अपॉन टू इंटू टू फोर माइनस थ्री इंटू वन थ्री, इसे सिंपलीफाई करते हैं देख सकते हैं यहाँ पर एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस एट प्लस टेन कितना हो जाएगा प्लस का टू इक्वल माइनस फाइव माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस सिक्सटीन प्लस फिफ्टीन माइनस वन इक्वल टू वन अपॉन फोर माइनस वन वन, इस माइनस से माइनस कट गया, हमारे पास एक दूसरे कन्वर्ट हो चुका है एक्स अपॉन टू इक्वल वाई अपॉन वन इक्वल वन अपॉन वन। आप इसमें क्या करेंगे बारी बारी से, एक बार ये वैल्यू वैल्यू उठाएंगे तो कॉन्स्टेंट इक्वेट करेंगे, देन वाई वाली वैल्यू उठाएंगे देन कॉन्स्टेंट इक्वेट करेंगे, क्यों कर रहे हैं पहले से इक्वल है, देखिए यहाँ पे यहाँ पर एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू वन अपॉन वन, ये टू बाई इधर जाएगा तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास टू, वाई अपॉन वन के लिए सोच करते हैं वाई अपॉन वन इज इक्वल टू वन अपॉन वन, वाई के लिए कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थोड़ी सी लेंथी मेथड होती है लेकिन ऐसी कोई हार्ड एंड टफ मेथड नहीं है, यहाँ पर सिंपल आपसे सोल्व कर सकते हैं, बस इक्वेशन को पहले आप सब चैलेंजेस में लेके आइए देन उसे पूरे फॉर्मेट में रखिए और आंसर अपने आप सोल्व कर सकते हैं आ जाएगा। तो आइए एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हुए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को और अच्छे से समझ सकते हैं, क्या है आपका क्वेश्चन किस तरह गिवन है, अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फिर से उस फॉर्म में नहीं गिवन जिसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाने के लिए सारी वैल्यूज एलएचएस में होनी चाहिए, यहाँ पर देखिए आप माइनस फोर आज आर एच एस में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर, तो इंट एक्स प्लस फाइव वाई नाइन आप इधर लेके आएंगे माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, सेम यहाँ पर थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो अब हमने इनको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है जहां आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा सकते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप मतलब वही यहां पर लगाते हैं एक्स माइनस वाई वन नोट करते हैं अपन एक्स के लिए क्या करते हैं एक्स को कवर करेंगे कोफिशिएंट कितने बचे फाइव टू माइनस नाइन माइनस फोर बचे यहां पर फाइव टू माइनस नाइन माइनस फोर इक्वल माइनस वाई, और वाई के लिए देखते हैं यहां पर वाई के लिए वाई वाला पार्ट कवर कर लीजिए एट थ्री माइनस नाइन माइनस फोर एट थ्री माइनस नाइन माइनस फोर इक्वल, अब वन के लिए ये कॉन्स्टेंट पार्ट कवर कर लीजिए आप एट थ्री एट थ्री वन के लिए एट थ्री इसे देखें फाइव और टू फाइव एंड टू, अब क्या करते हैं आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप देखें यहां पर एक्स फाइव फोर सा ट्वेंटी माइनस टू नाइन सा माइनस एट्टीन, और एक अपनी तरफ से नेगेटिव लगाते हैं बीच में इक्वल माइनस वाई अपॉन फोर एट सा माइनस थर्टी टू थ्री नाइन सा माइनस ट्वेंटी सेवन, अपनी तरफ से नेगेटिव लगाते हैं इक्वल वन अपॉन एट टू सा सिक्सटीन और फाइव थ्री सा फिफ्टीन, अपनी तरफ से नेगेटिव लगाते हैं ठीक है, अब देखिए आप एक्स अपॉन माइनस ट्वेंटी माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस एटीन हो चुका माइनस ट्वेंटी प्लस एटीन कितना हो जाएगा ऊपर माइनस टू इक्वल
माइनस नाइन, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर से देखें 32 प्लस 27, माइनस 32 प्लस 27 कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, माइनस 5 इक्वल 1/16 माइनस 15 कितना 1/1 सिंपल। फिर से क्या करेंगे, बारी बारी से कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले आपने यहाँ पर माइनस से माइनस का यहाँ पर कट चुका है, देखें आप। अब एक्स को इक्वेट करेंगे 1/1 के, देन वाई को इक्वेट करेंगे 1/1 के, और हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारे। देखें यहाँ पर कटने वाले से तो x अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू 1/1, यहाँ पर आप क्या करेंगे माइनस टू बट डिवाइड में रह जाएगा, बट डिवाइड में रहेगा तो x इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास माइनस टू। सही, यहाँ पर y भी लिखते हैं, y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/1, 5 मेरे पास रह जाएगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 सिंपल। इस तरह पोस्ट मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन कर सकते हैं। मेथड थोड़ी लेंथी होती है लेकिन मेथड इजी होती है, ऐसी कोई हार्ड एंड टफ नहीं है मेथड। तो इसी तरह हमने चारों मेथड सीखी अपने इक्वेशन सॉल्व करने की। फर्स्ट अपन ग्राफिंग मेथड, जो हमारे पास हमारी ज्योमेट्रिकल मेथड है, बाकी तीन मेथड सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तीन मेथड हमारे किस में आती है, एल्जेब्रिक मेथड में। तीनों ही मेथड बड़ी आसान है, होप आपने सही तरीके से समझा होगा।